दोस्तों यहाँ पे आप माता रानी का दर्शन कर सकते हैं। जय बम्लेश्वरी माता। आने और जाने दोनों का बहुत सारी दुकानें हैं इधर, बहुत अद्भुत बनते जा रहे हैं दोस्तों। भीड़ देख सकते हैं, काफी लंबी लाइनें हैं। जय जोहार दोस्तों। दोस्तों आज अपन लोग आप सभी को लेके आ चुके हैं बम्लेश्वरी माता का दर्शन कराने के लिए डोंगरगढ़। चलिए आप सभी को यहाँ संपूर्ण बम्लेश्वरी माता जी का दर्शन कराते हैं और 2023 में नवरात्रि पर्व में यहाँ का अद्भुत माहौल दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं डोंगरगढ़ का रेलवे स्टेशन माता बम्लेश्वरी का दर्शन करने के लिए, और यहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी पर माता रानी का मंदिर है, तो चलिए उस जगह पर चलते हैं। तो दोस्तों स्टेशन के जस्ट सामने ही ठहरने के लिए लॉज की उत्तम व्यवस्था है, तो अगर आप माता रानी के दर्शन करने आते हैं तो यहाँ पे आपको रुकने के लिए 2-3 लॉज यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये है बम्लेश्वरी मंदिर जाने का सीढ़ी मार्ग, और देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी नारियल अगरबत्ती की दुकानें हैं। और दोस्तों यहाँ से आप लिफ्ट देख सकते हैं, जो लोग सीढ़ी नहीं चढ़ सकते उनके लिए अच्छी सुविधा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिफ्ट, तो जो व्यक्ति बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, या फिर जिन्हें चलने में तकलीफ है, वो लिफ्ट की मदद से बड़े ही आसानी से माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। क्या है भैया, कितना टिकट लिफ्ट का? 100 रुपए। तो दोस्तों सुन सकते हैं लिफ्ट का जो टिकट है वो 100 रुपए है, आने और जाने दोनों का। बहुत सारी दुकानें हैं इधर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ से होती है सीढ़ी की चालू और सीधा सीधा जाना है अपन लोगों को। चलिए चालू करते हैं चलना। बहुत अद्भुत बनते जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ बना हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे है दोस्तों फोटो स्टूडियो, पीछे में बम्लेश्वरी माता के साथ फोटो खिंचा सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। इधर साइड देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, जिसमें आपको लगभग हर प्रकार की सामग्री मिल जाएगी, बच्चों से लेकर के बड़ों तक, लेडीजों के लिए। इतना सीढ़ी चढ़ लिया इसके बारे में, चलिए दुकान वालों से पूछते हैं। भैया कितना सीढ़ी हो गया? 400। तो दोस्तों 400 सीढ़ी क्रॉस कर लिए हैं और 600 सीढ़ी अभी बचा हुआ है, चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर मिलेगा, फेस नांग भोलेनाथ जी का मंदिर है, विशाल, काफी विशाल विशाल पत्थर है। तो दोस्तों ऊपर आते ही यहाँ से एक सुंदर सा व्यू पॉइंट है, जिसमें पूरे शहर का नजारा यहाँ से दिखाई दे रहा है। कहाँ से आ रहे हो भैया? यहाँ पे देख सकते हैं जय माँ बम्लेश्वरी प्रवेश द्वार, और दोस्तों यहाँ का नजारा देख सकते हैं, विशाल पत्थर है और उसके नीचे सीढ़ी बनी हुई है, और साथ ही साथ सीढ़ी के अलावा यहाँ पे शिव जी का मंदिर भी है। यहाँ कर लीजिए शिव दर्शन, ओम नमः शिवाय। और यहाँ पे है दोस्तों दादी माँ मंदिर, जय दादी माँ की। इधर देख लीजिए त्रिशूल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भीड़ देख सकते हैं, काफी लंबी लाइनें हैं। माँ बम्लेश्वरी देवी की जय। और यहाँ से दोस्तों आप सभी दर्शन कर लीजिए। ये दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, माता रानी के दर्शन कर लिए। ये दोस्तों सेल्फी पॉइंट, नजारा देख सकते हैं यहाँ से आप सभी, बेहद ही खूबसूरत लुक है। और सीढ़ी में देख सकते हैं धागा बंधा हुआ है जय माता दी वाला। अच्छा,
यहाँ पूरा जो रूम कक्ष है दोस्तों, ये जोत क्लब जोत कक्ष है। चले भाई नीचे। तो दोस्तों ऊपर चढ़ने में जितना मजा नहीं आता, उससे ज्यादा मजा अभी नीचे उतरने में आ रहा है, क्योंकि ऊपर जब चढ़े थे तो पूरी तरह से थक चुके थे। यहाँ से मंदिर पे देख लीजिए, काफी सारी शेष नागे बनी हुई हैं। और ये है दोस्तों, भैया कौन सा फल है ये? रामकंद। रामकंद, तो इसके बारे में बता दीजिए। अच्छा, तो देख सकते हैं रामकंद है वनवास में। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए पत्थर पे, दोस्तों यहाँ पे है नौका विहार, एक तालाब है जिसमें नाव चलती है। सुंदर सुंदर से तालाब है जिसमें लगभग 8 से 10 प्रकार की नावें चल रही है। तो यहाँ आप नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पत्थर पे माता रानी बनी हुई है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। जय माता दी। और यहाँ पे है हनुमान जी का मंदिर, दर्शन कर लीजिए हनुमान जी का। तो दोस्तों बड़े बम्लेश्वरी माता रानी के दर्शन कर लिए और अभी अपन लोग चल रहे हैं छोटे बम्लेश्वरी माता जी का दर्शन करने। इधर साइड दोस्तों पूरा लगा हुआ है मेला और देख सकते हैं काफी सारी दुकानें हैं, बच्चों वाली मिकी माउस यहाँ पे। तो यहाँ सामने आप देख लीजिए आकाश झूला है, इधर बच्चों वाली झूले हैं, यहाँ पे ड्रैगन है, उधर है दोस्तों नाव वाली झूले, डिस्को। ये वाला जो रास्ता है वो हमें लेके जा रही है छोटी बम्लेश्वरी माता की ओर। यहाँ से आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत मंदिर। चलिए चलते हैं ऊपर, तो देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। तो दोस्तों ये है बम्लेश्वरी माता की छोटी मंदिर, छोटी बम्लेश्वरी, और माता रानी का दर्शन करते हैं। मंदिर की जो बनावट है वो बेहद ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने वाली है। दोस्तों यहाँ पे आप माता रानी का दर्शन कर सकते हैं। जय बम्लेश्वरी माता। दोस्तों ये है गणेश जी की मूर्ति, जैसे कि यहाँ सामने आप देख सकते हैं यज्ञ कुंड है और बिल्कुल यहाँ पे हरियाली का प्रतीक। और यहाँ सामने है दोस्तों श्री भैरव मंदिर, तो चलिए भैरव बाबा का दर्शन करते हैं। यहाँ की बनावट बेहद खूबसूरत है। तो यहाँ पे है भैरव बाबा और दोस्तों यहाँ पे है हनुमान जी का मंदिर। जय श्री राम, बोलिए बजरंग बली की जय हो। और यहाँ पे राम लक्ष्मण और सीता माता, इधर है दोस्तों माता रानी, और यहाँ पे ज्योति। तो दोस्तों ये है बम्लेश्वरी माता का संपूर्ण दर्शन। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट पे जय माता बम्लेश्वरी जरूर लिखिएगा। हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।